नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये बात वर्ष 1967 की है, जब पहली बार पश्चिम बंगाल में गैर कांग्रेसी संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी थी। संयुक्त मोर्चे में सीपीआई, सीपीएम और उस समय कांग्रेस से अलग हुई बांग्ला कांग्रेस शामिल थी। जैसा कि विदित था ही, संयुक्त मोर्चे ने भूमि सुधार लागू करना तय किया। सीपीएम के भू राजस्व मंत्री किसान नेता हरकिशन कोणर ने अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों के बीच तुरंत बांटने के कार्यक्रम की घोषणा की। साथ ही वर्गाधारों की बेदखली की समाप्ति की भी घोषणा की थी। भूमि का वितरण सीपीएम की सोच से ज्यादा पेचीदा था। इसमें अधिकतर के मामले में कानूनी झगड़े थे। सीपीएम सरकार बनाने के बाद इस धर्म संकट में फंस गई कि नजरअंदाज कैसे करे। इसमें दावों की जाँच, विरोधी दावों का हिसाब किताब, पट्टा देने का काम जैसे पेचीदी समस्याएं थी। इन समस्याओं के बारे में सीपीएम सत्ता में आने के बाद ही जान सकी। सत्ता संभालना व विपक्ष में नारेबाजी करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन सत्ता आने के बाद भी कुछ वामपंथी यह सबक सीखना नहीं चाहते थे। इन्हीं में नक्सलवाड़ी का ग्रुप भी शामिल था। उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी क्षेत्र में आजादी के बाद से ही कम्युनिस्ट बटाईदारों और चाय बागान मजदूरों को संगठित करते आ रहे थे। बटाईदार और चाय बागान के मजदूर अधिकतर संथाल, उरांव और राजवंशी आदिवासी समुदाय के भोले भाले लोग थे। संथाल आदिवासी की शौर्य कहानी किसी से छुपी नहीं है। ये वो समुदाय है जिसने पन में मुट्ठी भर संथालियों ने अंग्रेज हुकूमत तक को कुछ समय के लिए परेशानी में डाल दिया था। बंगाल के नक्सलवाड़ी क्षेत्र में चारू मजुमदार महत्वपूर्ण नेता था। इस वामपंथी का संबंध एक जमींदार परिवार से था। इसमें कुशल नेतृत्व की क्षमता थी। मजुमदार पर चीनी नेता माओ से तुंग का काफी प्रभाव था। माओ के कृषि क्रांति और सशस्त्र संघर्ष पर मजुमदार की पूर्ण आस्था थी और उसे भारत में लागू करना चाहता था। लेकिन आज लगता है मजुमदार मुंगेरी लाल के सपने देख रहा था। वो ये भूल गया यह भारत है, चीन नहीं। मजुमदार कानूनी तरीके से भूमि सुधार लागू करने के में विश्वास नहीं रखता था। मजुमदार के विचारों को आकार देने में उनके दो सहयोगियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनमें कानू सन्याल और जंगल संथाल महत्वपूर्ण नाम है। मजुमदार और उनके सहयोगियों ने मिलकर एक किसान सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन संयुक्त मोर्चा सरकार के सत्ता में आने के मात्र 16 दिन बाद ही दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी सब डिवीजन में सीपीएम द्वारा संगठित किया गया था। इस सम्मेलन में जमीन पर भूस्वामियों के एकाधिकार की समाप्ति, किसान समितियों के जरिए भूमि वितरण, केंद्र सरकार, संयुक्त मोर्चा सरकार और भूस्वामियों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का आह्वान किया गया। ये समिति में इस सम्मेलन में इन विषयों पर सहमति बनाई गई। इस दौरान हाटी गिशा, पुरागंज, चोपू, खिरिया विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे थे। संयुक्त मोर्चा सरकार जब माओ से प्रभावित वामपंथियों को संभालने में असमर्थ हो गई, तो उसने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। इसके जवाब में नरमपंथी शक्तियां एक जगह आ गई। इन्होंने पहले तो नक्सलवाड़ी किसानों की मदद के लिए एक कमेटी गठित की और फिर बाद में 1969 में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी की स्थापना की। इस पार्टी को चीन का समर्थन मिलता रहा है। इस पार्टी को भारत सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है और इस समय इस पार्टी पर प्रतिबंध चल रहा है। शुरुआत में नक्सलवाद का केंद्र पश्चिम बंगाल था, लेकिन बाद के वर्षों में ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कम विकसित ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में ये अपना प्रभाव बढ़ाता रहा है और आज भी ये करीबन इन्हीं राज्य के अंदर काफी जंगलों में इनके अपने इन्होंने डेरे बनाए हुए हैं। भारत की पैरामिलिट्री फोर्स काफी हद तक बिल्कुल इनके गढ़ों में मारने के लिए कूच कर चुकी है, काफी अंदर तक घुस चुकी है। बहुत जल्दी इनको नेस्तो नाबूद इनके किलो में ही किया जाएगा। एक सरकारी रिपोर्ट के आंकड़े के अनुसार पिछले 7 वर्षों में नक्सली हमलों में 65% कमी आई है। फिर भी ये छुटपुट घटनाएं करते रहते हैं। जैसे हाल फिलहाल में ये घटना इन्होंने अपना सुकमा वाले क्षेत्र में कर दी, ऐसी घटना हल्की फुल्की घटनाएं ये करते रहते हैं छुटपुट। कहते हैं जब गिदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर ही भागता है, तो ये वही फटफटाहट इनकी आहट चल रही है। यूं तो भारत सरकार काफी हद तक नक्सलियों से निपटने में कामयाब रही है, लेकिन फिर भी इनको समय समय पर आर्थिक सहायता मिलती रहती है। इस आर्थिक सहायता में कुछ विदेशी मुल्कों का भी हाथ है, लेकिन इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों में जितनी भी खनन कंपनियां काम कर रही है, उन प्रत्येक खनन कंपनियों से, माइनिंग की प्रत्येक कंपनियों से उनके मुनाफे का ये लगभग 3% वसूलते हैं। उसके माध्यम से भी अपना धन एकत्रित करते हैं।
कंपनियों को सुचारू रूप से उन क्षेत्र में चलने के लिए उनसे प्रोटेक्शन के रूप में भी ये पैसा वसूलते हैं, उसमें भी इनका कुछ बंधा हुआ है कंपनियों के साथ, उससे भी उगाही करते हैं ताकि कंपनी के कर्मचारी आसानी से क्षेत्रों में काम कर सके। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में घने जंगलों में अंदर जाके ये अफीम की खेती के साथ साथ मैरिजुआना की भी खेती करते हैं और उससे भी अपना धन इकट्ठा करते हैं। ये सब सरकार की को मालूम है इन चीजों का, धीरे धीरे इनके ऊपर भी काम किया जा रहा है। नक्सलियों के धन संग्रह का कम से कम 40% अफीम की खेती से पैसा एकत्रित करते हैं, ऐसा एक अनुमान है। नक्सलियों से निपटना थोड़ा जटिल इसलिए हो चुका है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय होता है और राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार का कोऑर्डिनेशन में कई बार दिक्कतें आ जाती है। हमने देखा ये फेडरल स्ट्रक्चर में ऐसी समस्याएं होती है। इसका प्रभावी तरीके से अगर निदान किया जाए, जल्द से निदान चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है। ऐसे क्षेत्र को जितना ये रेड कॉरिडोर का क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, हमें इसको 7वीं सूची में लॉ एंड ऑर्डर का जो इस क्षेत्र के लिए पर्टिकुलर जो मामला है उसको 7वें शेड्यूल में अपना इसको लिस्ट से इसको स्पेशली सेंटर के अंतर्गत डाल देना चाहिए इस विषय को, ताकि केंद्र सरकार की पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर सही तरीके से कार्रवाई कर सके और इस तरीके से हम बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान कर लेंगे क्योंकि अब ये बहुत ही कम जगह में बच चुके हैं और इनका आने वाले 10-1 सालों में ये भारत के एक इतिहास बन के रह जाएगा, इनका अंत होना तय है। जंगल में महिला कॉमरेडो से सीनियर कॉमरेडो द्वारा यौन उत्पीड़न किसी से छुपा नहीं है क्योंकि अंततः शरीर तो सर्वहारा का पहला हक है। अगर आपको जानकारियों का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।